तक आपको मैं सीक्रेट बताऊं? बताइए। मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया शादी में, मैं बिन बुलाया आई हूँ। अभी तक तो आप सब ने ये वायरल वीडियो देख ही ली होगी। अरे ये नहीं यार, ये वाली। बिन बुलाए शादी में आकर खाना खाते युवक पर लोगों का गुस्सा आ गया। इसके बाद युवक को पकड़कर अपने साथ ले गए और जूठी बर्तन धुलवाए। तो आज मैं बहुत सारी बिन बुलाई शादियों में जाऊंगी और देखना ये है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा होता है। इससे और भी खतरनाक चीजें होती है मेरे साथ। इस वेन्यू से मैं तुरंत निकल देती हूँ। खाना खा लिया, हाथ में मेरे पान है। और नहीं तो और जिसकी शादी थी मैं उसे बोल के आई हूँ कि भाई मुझे किसी ने इनवाइट किया था शादी में। तो यार शादी में जा रहे जैसे खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। भले हमें इनविटेशन नहीं मिला लेकिन हम अपनी तरफ से कोई क्या कहते हैं, कसर कहते हैं भाई डर लग रहा है। भगाए जाए तो ऐसे मैं कहूंगी कि यस अंकल सॉरी, ये ना मैंने आपके लिए पूरा पैक वैक करा के लाई हूँ। तो हाँ यार यहाँ पे आते ना मुझे इतना जोर से डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा दिल निकल के बाहर आ जाएगा। ओए खाना खाने के लिए पैसे नहीं लगते, यूनिफॉर्म लगता है, यूनिफॉर्म है? वो देख चल चल। यार मूवी में तो वो काफी इजीली अंदर एंटर कर जाते हैं बट रियल लाइफ में मेरे लिए पूरा सीन खुद ही एक हॉरर मूवी बन गया था। बहुत सारे डर के साथ मैं चली गई अंदर और जाते ही ये भैया मुझे शक की नजर से देख रहे थे। ओम नोम नोम ओ, ये किसकी तरफ से आए हैं? गाइस ओ भाई साहब, भाई कांड में यार ये वाला जो वेन्यू है ना काफी छोटा है और कंजेस्टेड है, तो मुझे लग रहा है मैं काफी आसानी से यहाँ पे पकड़ी जाऊंगी। तो इस वेन्यू से मैं तुरंत निकल देती हूँ अपना वो बुके लेके नए वेन्यू की तलाश में। मैं निकल गई अपना सेकंड मैरिज लॉन ढूंढने के लिए, तभी मैंने देखा सामने से किसी की बारात जा रही थी। एंड गेस व्हाट, मैंने क्या किया? रियलाइज कि यहाँ पे थोड़ी देर और रुकना रिस्की हो सकता है बट मैंने काफी मस्त एंजॉय किया यार। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा कुछ ऐसा। दूसरी वाली शादी के तो गेट पे ही बारात अभी ताजा ताजा आई हुई और मैं बड़ी खुश थी कि यार इतने सारे लोग हैं, मैं भी उसी में गुजर गुजर होके मिक्स हो जाऊंगी। अचानक से पीछे से एक लड़का आता है और मेरे पास आके बोलता है एक्सक्यूज मी, एंड मेरे ना पैरों तले जमीन खिसक गई थी 2 सेकंड के लिए। फिर उसने बोला कि उसे फोटो क्लिक करनी है बट मेरा फेस देखो, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी यार उस टाइम पे। हे, इसके साथ फोटो क्यों खिंचा रहा है वो? जाइए जाइए। यार मैं तो थी बिना इनविटेशन कार्ड के लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पे मेरे अलावा कुछ और भी लोग हैं। अरे यार इस लड़की की वजह से मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं, ये सब कुछ रिकॉर्ड क्यों कर रही है? फाइनली बारात के साथ साथ मैं भी गेट के अंदर एंटर कर जाती हूँ। भाई जो खुशी देख रहे हो चेहरे पे, मुझे बोलना बहुत था बट मैं बोल नहीं पा रही थी। पधारे दामाद जी। ओके गाइस वी आर इन। थोड़ा खाली जगह पे बोलना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत भीड़ है। कुछ आपको मुझे नहीं पता, आपको दिखाया नहीं दिखा बट मुझे 2-3 लोगों ने ऐसे लुक दिया है। अब वो पता नहीं क्या सोच के लुक दिया है। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम सक्सेसफुली अंदर एंटर कर गए। कैमरा मैन भी पूरा सूट वूट पहन के आया है क्योंकि यार भनक नहीं लगनी चाहिए। भैया
शादी में फ्री का खाना युवक को पड़ा भारी, धोने पड़ गए जूठे बर्तन। शादी में जाकर फ्री का खाना एक युवक को बहुत भारी पड़ गया। बिन बुलाए शादी में आकर खाना खाते युवक पर लोगों का गुस्सा आ गया। इसके बाद युवक को पकड़कर अपने साथ ले गए और जूठी बर्तन धुलवाए। आपके रिलेटिव की शादी है किसकी? हाँ, रिलेटिव की। अच्छा, थैंक गॉड। आपके रिलेटिव की शादी है किसकी? हाँ, बाय बाय। पहला वाला मस्त सक्सेसफुल रहा है यहाँ पे। किस मैं वॉइस ओवर कर दूंगी यहाँ पे, क्योंकि आप समझ जाओ यहाँ पे मैं अभी देख ही रहे हो आप पीछे पुलिस तो कैसे बोलती मैं। तो मुझे एक और शादी दिख गई है। मेन डर पता है किससे लगता है? जो लोग एंट्रेंस पे आगे खड़े होते हैं। लेकिन अभी तक मुझे एक्सपीरियंस हो गया था, तो मैं इस बार बिना डरे अंदर चली जाती हूँ। दुल्हन आ गई, गई दुल्हन आ गई, आ जाओ देखते हैं। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा मैं तेरे दिल का, एक बार इसकी गाली लो, एक स्टार करो। मैं क्यों रो रही हूँ? बस वाली शादी में ना तो जो हमारे दूल्हा दुल्हन थे वो भी स्टेज पे आए नहीं थे, तो मैंने बुके दिया ही नहीं और मैं ज्यादा देर रुक भी नहीं सकती थी। बहाने सोच रही हूँ यार, मैं क्या बोलूंगी। मैं श्रेया की फ्रेंड हूँ। हाँ, हाय श्रेया, आपकी शादी में आई हो? अंकल मैं श्रेया की फ्रेंड, मैं मुझे अपने घर जाना है। स्टेज पे मुझे जाके ये देना है एंड मेरी ना। ठीक है यार, कोई बात नहीं प्रगति, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। इनके पास आते हैं। कुछ देर तक बैठ के मैंने परफॉर्मेंसेस देखी, फिर ये भैया आके बोलते हैं कि मैम लेंगी, तो मैंने बोल दिया नहीं मैं बहुत ही ज्यादा कम खाती हूँ। अरे ये मोमोज वाले फुटेज कैसे लगे, अरे हटो कैंसिल डिलीट। हाँ, तो उसके बाद मैं ना इस शादी से भी चली गई। तुम लोग किसकी शादी में आयो? मेरे मामा। और आपके कौन है? मेरे मामा। मामा है? मेरे तो एक बात बताओ, मुझे शादी में किसी ने इनवाइट नहीं किया है, मैं बिन बुलाए आई हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा तुम्हारे मामा की शादी में मैं बिन बुलाए आई हूँ? नहीं नहीं, ये सही है। नमस्ते अंकल, एक आपको मैं सीक्रेट बताऊं? बताइए। मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया शादी में, मैं बिन बुलाया आई हूँ। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अच्छी बात है, मम्मी कॉलेज लाइफ में करते थे। अरे ओ सच्ची? अरे यार अंकल ने तो मेरा दिल जीत लिया, मजा आ गया। मुझे लगा मुझे डांट पड़ेगी यार, मुझे लगा था ना कि अंकल आप बोलोगे कि निकल जाओ यहाँ से। ऐसा आप नहीं बोलोगे? नहीं, क्या क्या बोला? इनवाइटेड हूँ। अच्छा इनवाइटेड, मुझे लगा अंकल बोल रहे मैं खुद इनवाइटेड नहीं हूँ। Years later. Congratulations. यार इस टाइम पे मुझे इतनी जोर से डर लगी थी ना, मुझे लगा था मेरा पत्ता साफ होने वाला है आज, बट उन्होंने बोला कि आप साथ में दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो क्लिक कर लो। भाई चेहरे में खुशी देख रहा हूँ मैं, इतनी उछलते कूदते हुए स्टेज पे से वापस गई रे यार। शादी कंप्लीट होती है हमारी यहाँ पे, हमारी नहीं उनकी जिनकी है। यार सामने से फोटोग्राफर खुद बोल रहा है मेरे को कि मैम दुल्हन के पास जाइए। फोटोग्राफर को लग रहा है कि भाई मैं तो कितनी पुरानी रिश्तेदार हूँ इनके, मैं तो मतलब बेस्ट फ्रेंड हूँ दुल्हन की। दुल्हन मुझे ऐसे दिख रही है, बहन तो है कौन? और मुझे लगता है ना सबसे इम्पोर्टेंट आपकी ड्रेसिंग सेंस होती है। मैं बिल्कुल बंठन की शादी के हिसाब से आई थी, इसीलिए मुझे किसी ने भी नहीं रोका। लेकिन भाई साहब जो डर लग रहा था ना मुझे, सो थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग दिस वीडियो। अगर अरे अरे जा कहाँ रहे हो, ये वाली वीडियो देखी क्या? नहीं देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।